तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नोटिफिकेशन की कमाल की सेटिंग बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं नोटिफिकेशन की हिडन सेटिंग बताने वाला हूँ, जिस सेटिंग को अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनियर और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ नोटिफिकेशन की आपको हिडन सेटिंग या बोल सकते हैं नोटिफिकेशन की सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ पहले यहाँ पर सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के दोस्तों यहां पर जाना है आपको साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन का साउंड सेट करते हैं। यार ये तो कहोगे सबको पता है, यार मुझे भी पता है, सबको पता है नोटिफिकेशन का साउंड सेट कर सकते हैं, ये तो मुझे भी पता है, बहुत ईजी है। इसके बाद एक चीज और बताऊंगा, यहाँ नोटिफिकेशन का पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं, वाइब्रेशन पैटर्न कैसा चाहिए, लाइक हार्ट बीट, टिकटॉक, मीडियम, शॉर्ट, बेसिक, वॉलेट या जिगजैग, जो भी आपको चाहिए आपको उस पर टिक कर लेना है। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल सी सेटिंग। अब कमाल की सेटिंग ये है, ये क्या हुआ, ये जो आपने नोटिफिकेशन का साउंड या वाइब्रेट लगाया ये सभी नोटिफिकेशन के लिए होगा। अब आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं अलग ऐप वाइज, मतलब कि इस ऐप की नोटिफिकेशन अलग नोटिफिकेशन साउंड आया तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे, तो आपको जाना है बाहर, यहाँ पर लाइक मुझे यहाँ पर देखूँ क्या है मेरे पास, मुझे मान लो इंस्टाग्राम के लिए मुझे अलग से नोटिफिकेशन डालना है, तो मैं यहाँ इंस्टाग्राम ऐप पे जाऊंगा, यहाँ पर उसको प्रेस करके रखूंगा और यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन ऑप्शन चले आऊंगा ऐप इन्फो पे। ऐप इन्फो में जाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाना है नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में, सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाना है आपको नोटिफिकेशन कैटेगरीज में, आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑल नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम डायरेक्ट और ये सब चीजें आपको दिख रही है। अब आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम डायरेक्ट के आपको अलग से चाहिए, आप उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको पॉपअप अलर्ट चाहिए, क्या क्या चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, साउंड कौन सा चाहिए, तो आप अलग से साउंड चूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर इंस्टाग्राम से अगर डायरेक्ट सा कोई मैसेज आएगा तो उस पर अलग साउंड आएगा, ये आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। ऐसे ही यहां बैक आएंगे, आप इंस्टाग्राम डायरेक्ट रिक्वेस्ट पे जाना है, रिक्वेस्ट पे जाएंगे तो ऐसे ही आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां पर अगर कमेंट लाइक आएंगे तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि वाइब्रेट हो ना हो, ये सब चीजें आप यहां पर कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज मिल जाएंगी एक एक करके। ऐसे ही अगर आपको कोई दूसरी ऐप में करना हो तो सेम आपको यही प्रोसेस करना होगा, लाइक मुझे यहां पर करना है मेल पे, जीमेल पे, मैंने यहां पर क्लिक करा, यहां ऐप इन्फो पे गया, ऐप इन्फो में जाने के बाद नोटिफिकेशन पे गया, नोटिफिकेशन कैटेगरीज पे गया और जैसे ईमेल का मुझे साउंड सेंड करना है तो मैं ईमेल पे आ गया हूं, वाइब्रेट चाहिए नहीं चाहिए, साउंड चाहिए नहीं चाहिए, तो एक एक करके मुझे यहां पर उसको सिलेक्ट कर लेना है कि भैया वो ऐसा काम करे ना करे। ऐसे ही ये हो गया जीमेल का। अगर आपको कोई दूसरी ऐप लाइक नॉर्मल जो मैसेज आते हैं आप उस पर जाएंगे तो यहाँ मैसेज पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल मैसेज पे जाएंगे, यहाँ नोटिफिकेशन पे जाएंगे, नोटिफिकेशन कैटेगरीज में जाएंगे तो यहाँ पर भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे, लाइक जैसे इनकमिंग मैसेज पे मुझे कौन सा साउंड आए तो मैंने यहाँ पर गया, मैंने उस पर क्लिक कर लिया, तो इनकमिंग में मुझे अलेक्सा साउंड चाहिए तो वो अलेक्सा साउंड आए, वाइब्रेशन हो या ना हो वो यहाँ से मैं सेट कर लूंगा। उसका ऐप बगेज, मतलब कि उसमें जो काउंटिंग दिखे ना दिखे, कितने आपके पेंडिंग मैसेज पड़े वो दिखे ना दिखे, ये सब चीजें आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही मैसेज नॉट डिलीवर्ड, स्पैम प्रोटेक्शन वाला मेल हो तो आपको अलग दिख जाएगी, एज स्पैम मेल आने वाला है, तो ये सब चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एक एक ऐप में आप जाके पर्टिकुलर ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फेसबुक का है तो आप फेसबुक पे भी जाएंगे, आई पे क्लिक करेंगे, आई पे क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन पे जाना है, नोटिफिकेशन कैटेगरीज में जाना है। अब यहाँ पर आपको क्या नोटिफिकेशन, लाइक कमेंट आए तो आप कमेंट में चले जाओ, कमेंट का साउंड अलग आ जाए, भैया हमें कमेंट का साउंड अलग। अब मैंने यहाँ पर कोई सा भी साउंड को चूज कर लिया, ठीक है, अब वाइब्रेट चाहिए नहीं चाहिए, वाइब्रेट भी चाहिए भाई, वाइब्रेट तो तब तो पता चलेगा कोई कमेंट आया है तो आप इसको कस्टमाइज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पर कोई टैग करे तो आपको अलग से पता चल जाए, तो टैग के लिए तो यार मैं स्पेशल साउंड डालूंगा तो मैंने ये टैग के लिए भी डाल दिया, मैंने वॉल्यूम कम कर रखा है इसलिए आपको सुन नहीं रहा है, तो वॉल्यूम की आवाज़ आपको आएगी, तो मैंने टैग के लिए डाल दिया, वाइब्रेट और नॉन वाइब्रेट भी टिक कर लिया, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो गई। ऐसे ही कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो उसकी साउंड आपको अलग आए, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सी मैसेज की, आपकी फेसबुक का हो गया। ऐसी अगर कोई और दूसरी भी ऐप को आपको कस्टमाइज करना है, कोई सी भी ऐप हो आप सबके लिए उसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जौन सी मर्जी ऐप हो, लाइक मुझे रेडिफ मेल, मेरे पास रेडिफ मेल है, मुझे उसको भी कस्टमाइज करना है तो मैं आई बटन पे गया, नोटिफिकेशन पे जाऊंगा, नोटिफिकेशन कैटेगरीज में जाऊंगा,
तो ये मेल पे गया और मुझे इसका मेल का साउंड भी यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, वाइब्रेट हो या ना हो ये भी मैं यहाँ पर कस्टमाइज कर, मतलब कि एक एक ऐप में जाके आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि वो वाइब्रेट हो या ना हो, और साउंड उसका अलग आप कस्टमाइज कर सकते हैं। साउंड तो बहुत ज़रूरी होता है यार, हम भूल जाते हैं यार कौन सा नोटिफिकेशन है कोई, अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट ऐप है आप उसका अलग से नोटिफिकेशन का साउंड डाल दो तो आपकी आपको बहुत ईजीली आए। अब मैं आपको ले चलता हूँ व्हाट्सअप पे, व्हाट्सअप पर तो बहुत अच्छे से आप ग्रुप का मतलब अलग ही लेवल का हो सकता है। व्हाट्सअप पे आ गए, व्हाट्सएप पे क्लिक करके रखा, आई पे गया, नोटिफिकेशन पे गया, नोटिफिकेशन कैटेगरी। अब यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे देखेंगे ग्रुप नोटिफिकेशन की आप अलग से डाल सकते हैं कि ग्रुप की नोटिफिकेशन आए तो अलग साउंड आए, अलग वाइब्रेट हो, नॉर्मल मैसेज आए तो उसका अलग साउंड हो, अलग वाइब्रेट हो, ऐसे ही चैट हिस्ट्री बैकअप, क्रिटिकल, फेलियर, अदर, ये सब चीज़ें आप अलग कर सकते हैं। कॉल नोटिफिकेशन आए व्हाट्सएप पे तो अलग हो, तो एक एक करके आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। एक एक ऐप के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं और बहुत इजीली आप इसको कस्टमाइज कर पाएंगे। दोस्तों ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, बोल सकते हैं हिडन ट्रिक बताई नोटिफिकेशन की, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, जो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, अगर आपको लगता है मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।